मुंगेर के खंड बिहारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बदलो बिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का विश्वास हिल चुका है। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी स्कूलों की बिल्डिंग बनी है, लेकिन प्लस टू की पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहारवासियों ने समर्थन किया। शराबबंदी लागू है, लेकिन पुलिस को सरकार ने मुंह सूंघने के लिए लगा रखा है। उन्होंने कहा कि सूबे में मुखिया धमकाओ अभियान चल रहा है। और सरकार का हाथ आप देख रहे हैं, बगल में स्कूल की बिल्डिंग बन गई, 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, 4.5 करोड़ रुपया समझिए कितने लोगों के लिए उपयोग में आता है। यहाँ माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि सरकार के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है, जो हमारे किसान हैं, उस पर फोकस करना। आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। आप सोच बड़ा रखिएगा तो बड़ा बनिएगा। छोटी छोटी सोच, ये सिर्फ मुखिया को तंग करना, किसी को केस में फंसा देना, किसी जांच करा देना, इसके आधार पर आप जो राजनीति करते हैं ना, उनकी दुकान सब बंद होने वाली है। गुलाम रसूल बलियावी का विवादों से पुराना नाता रहा है, लिहाजा उनकी जुबान से